भाई यार पूरे दिन फोन में घुसे रहते हो, कोई काम वाम कर लिया करो। अरे यार पापा आपका हर रोज क्या है ये, कभी तो हमको चैन की सांस लेने दिया था। बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना। हाँ पता है यार, जब आप हमारी उम्र के थे तब डायनासोर की पीठ पर बैठकर लूडो खेला करते थे। बेटा हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हमारे जमाने में सचिन तेंदुलकर की बैटिंग दिल में, अमिताभ बच्चन की फिल्म में, और मक्का की रोटी चना का साग दिन में। बेटा हमारे जमाने की बात मत करो, उस जमाने में नदी तैर कर स्कूल जाया करते थे हम। आप तो जल परी थे, आपकी तो कपड़े और किताबें भीगती नहीं होंगी। यार पापा इतनी लंबी मत फेंका करो, तो ढूंढने से भी ना मिले, ठीक है? बैठो शर्मा जी। बच्चे को डांट रहे हो? अरे नंदू भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने लड़के से बहुत प्यार करते हैं। हमने अपने लड़के को पैसा की छूट दे रखी है, कितने भी उड़ाए। अंकल 20 साल से एक ही कक्षा बनियान में घूम रहे हैं, इन्होंने हमको पैसे की छूट दे रखी है। अभी पिछले हफ्ते गोवा से आया है। गोवा की बात कर रहे हो? हमने सुना है आपका लड़का बिना अपनी मम्मी के टट्टी करने नहीं आता है। जा सारे ना हमारी नाक कटवा रखी है। अब बात नहीं की चुस्की बन लो, जाओ पहले पानी लेके आओ। जाओ आप बोल रहे हैं पैसे की छूट दे रखी है, लड़का आपको सूख के छुआरा हुआ जा रहा है। अरे तुमको क्या पता नंदू भैया, हमारे घर में एक कमरा प्रोटीन से भरा पड़ा है। यार हमने सुना है कोरोना वायरस की वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। अरे यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, वैक्सीन लगवाना तो ठीक है, 2-3 दिन बुखार आता है बस। हमको तो कोरोना वायरस की वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, हर रोज शाम सुबह 1-1 घंटा प्रोटीन वाले कमरे बंद हो जाते हैं, बस शरीर में ताकत की कोई कमी नहीं है। यार हमने सुना है दारू पीने से कोरोना नहीं होता है। अरे यार क्या बोल रहे हो, दारू से कोरोना नहीं होता? हम गए भैया अस्पताल, डॉक्टर हमसे बोले अगर कोरोना से बचना है तो दारू का सेवन करते रहिए। क्या भैया सही में है? मंगा लो फिर। मंगा का ले, चंदा कर ले। चंदा तो कर ले, लेकिन लावा है कौन? भतीजे का भेज दो। A few moments later. नंदू भैया हमको थोड़ा कड़क पैक बनाओ, बिना पानी के, पानी यूज ना करते हैं। बस बस बस।